सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखदेव और आप देख रहे हैं मिक्स मैथ 22 यूट्यूब चैनल। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग पेपल का अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए पेपल अकाउंट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पेपल अकाउंट से आप नेशनल और इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से किसी को पैसा अगर आप भेजना चाहते हैं या मंगाना चाहते हैं तो आप पेपल अकाउंट के जरिए कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पेपल में नया अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी आपको डेस्कटॉप के जरिए बता रहा हूँ। आप यह काम अपने मोबाइल फोन से या पेपल के ऐप के जरिए भी आप रजिस्टर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे गूगल में सर्च कर लेता हूँ पेपल। उसके बाद आपको क्लिक करना है paypal.com पर। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं, पहले से रजिस्टर किए हुए हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अभी न्यू अकाउंट बनाऊंगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है साइन अप के बटन को। उसके बाद आप देख सकते हैं पेपल में आप तीन तरह के अकाउंट बना सकते हैं। तो सबसे पहला है फॉर शॉपर्स। अगर आप सिर्फ परचेज करना चाहते हैं, मीन शॉपिंग करना चाहते हैं नेशनल लेवल पे, तो आप इस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह दूसरा नंबर पे है बिजनेस। अगर आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं और मंगाना भी चाहते हैं तो आप बिजनेस के लिए रजिस्टर करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे अभी आपको रिकमेंड करूँगा फॉर फ्रीलांसर। आप यहाँ पे लोकल और इंटरनेशनल दोनों ही पेमेंट कर पाएंगे, मींस किसी दूसरे कंट्री को अगर आपको पैसा भेजना है तो भेज सकते हैं और आप मंगाना चाहते हैं तो भी मंगा सकते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसर में आपको पेपल के सभी बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए मैं फॉर फ्रीलांसर टाइप अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्लिक करूँगा नेक्स्ट के बटन को। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना है और फिर कंटिन्यू के बटन को क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको किस तरह का पासवर्ड सेट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेता हूँ और कंटिन्यू के बटन को क्लिक करूँगा। उसके बाद आप यहाँ पे बिजनेस टाइप सेलेक्ट करेंगे, आपका किस तरह का बिजनेस है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। उसी तरह से पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन, सोल ट्रेडर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इंडिविजुअल में। उसके बाद आप यहाँ पे इन सभी डिटेल्स को भरेंगे। तो चलिए यहाँ पे नेम ऑन कार्ड स्टेटमेंट, आप कार्ड स्टेटमेंट में क्या नाम प्रिंट कराना चाहते हैं 11 कैरेक्टर में आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड सर्च करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है पर्पस कोड, मीन्स उसका सब कैटेगरी में क्या आता है। तो चलिए यहाँ पर भी मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का पैन नंबर इंटर करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस URL, मीन्स अगर आपके बिजनेस का कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पे उसका एड्रेस इंटर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद मैं आप कंटिन्यू के बटन को क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स इंटर करना है, आपका नाम, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, आपका फुल कॉन्टैक्ट एड्रेस, आपका बिजनेस मोबाइल नंबर और आप किस करेंसी में ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं सभी एक एक करके भर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चेकबॉक्स है, अगर आपका होम एड्रेस और बिजनेस एड्रेस सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को टिक ही रहने देंगे। अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप इसको अनचेक करेंगे और अपना होम एड्रेस यहाँ पे इंटर करेंगे। तो चलिए मेरे केस में दोनों ही सेम है तो मैं इस बॉक्स को टिक ही रहने देता हूँ और मैं क्लिक करूँगा एग्री एंड कंटिन्यू के बटन को। तो आप देख सकते हैं आप सक्सेसफुली पेपल में अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट सेटअप करना है। तो सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है। तो चलिए मैं अपना ईमेल इनबॉक्स ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं आपके ईमेल एड्रेस में एक ईमेल आया होगा, आपको चेक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है गेट स्टार्टेड नाउ के बटन को। तो आप पेपल के डैशबोर्ड में फिर से लॉगिन होने के लिए आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, इंटर करना है और फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस के बटन को क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं आपने सक्सेसफुली अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर लिया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट अकाउंट सेटअप में आपको बैंक अकाउंट लिंक करना है। अगर आप किसी से पैसा मंगाना चाहते हैं तो आपके सीधे बैंक अकाउंट में आएगा, इसीलिए आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं लिंक के बैंक अकाउंट के बटन को। तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो नाम दिया है यहाँ पे आ चुका है और वही नाम आपका पैन कार्ड में होना चाहिए तो ही वेरीफाई हो पाएगा। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं नेम को तो आप इस बटन को क्लिक करेंगे, और अगर आपका बैंक अकाउंट में कोई दूसरे नाम से है तो आप यूज़ पर्सनल नेम के बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अलग नाम इंटर कर सकते हैं।
तो चलिए मेरे केस में वैसा कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करूँगा। तो चलिए अब मैं अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स इंटर करता हूँ। तो सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर इंटर करना है, उसके बाद आपको फिर से री इंटर करना है अकाउंट नंबर। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डू यू नो योर बैंक IFSC कोड। अगर आपको अपने बैंक का IFSC कोड मालूम है जो कि 11 डिजिट का होता है, तो आप यस क्लिक करेंगे। अगर नहीं मालूम है तो आप नो के बटन को क्लिक करेंगे, जहाँ पे आप अपना बैंक नेम इंटर करके और ब्रांच सर्च करके आप फाइंड कर सकते हैं अपने IFSC कोड को। तो चलिए मेरे केस में मुझे IFSC कोड मालूम है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 11 डिजिट का IFSC कोड इंटर कर लेता हूँ और फिर मैं कंफर्म के बटन को क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे बैंक ब्रांच का डिटेल्स आ चुका है। तो आपको ये कंफर्म कर लेना है कि आप ही का ये बैंक ब्रांच है और आप यहाँ पे जो भी डिटेल्स इंटर कर रहे हैं सही सही इंटर करें। उसके बाद आपको रिव्यू के बटन को क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप एक बार और फिर से चेक कर लें आपने जो इंटर किया है सही सही इंटर किया है, क्योंकि अगर आपने गलत इंटर कर लिया तो पेपल आपसे 250 रुपीज चार्ज भी कर सकता है। तो चलिए मैं सभी डिटेल्स मैच करने के बाद सबमिट के बटन को क्लिक करता हूँ। तो आपने यहाँ पे सक्सेसफुली अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर लिया है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट कंफर्म होने के लिए लगभग 4 से 6 दिन का टाइम और लगेगा, क्योंकि पेपल आपके बैंक अकाउंट में 2 स्मॉल अमाउंट का डिपॉजिट सेंड करेगा। आपको वही डिपॉजिट यहाँ पे इंटर करना है जिससे आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो पाएगा। तो आपको वेट करना है 4 से 6 दिन और आप देखेंगे अपने मैसेज के जरिए, या आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो मिनी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के जरिए आप वहाँ पे देख पाएंगे। और वही तो आपको स्मॉल डिपॉजिट अमाउंट नोट करना है और यहाँ पे आपको आके वेरीफाई करना है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको वेरीफाई करना है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और आगे के नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें अपना।